नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश भर के अधिकांश इलाकों में मॉनसून ने अपनी दस्तक दे दी है। यही वजह है कि तापमान गिरने से मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में बुधवार को मॉनसून ने दस्तक दे दी, जिसकी वजह से वहाँ तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि दिल्ली मॉनसून के पहुंचने की आधिकारिक घोषणा आज की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली में बुधवार को मॉनसून पहुंचने के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा, मॉनसून के बादलों ने दिल्ली में दस्तक दे दी है, कई स्थानों पर बारिश हुई है। पूर्वानुमान के अनुरूप गुरुवार को मॉनसून के आगमन की घोषणा की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के मौसम और बारिश के अनुमान जाहिर करने वाले सेंटर का प्रतिनिधि माने जाने वाले सफदरजंग वैद्यशाला के आंकड़ों के मुताबिक यहां 14.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की और अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वही गुरुवार की सुबह का तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि बारिश की वजह से यहां हवा में नमी का स्तर 100% तक बढ़ गया और लोगों को उमस और चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि मॉनसून के आगमन की घोषणा करने के लिए सभी मौसम केंद्रों से पिछले 24 घंटे का बारिश का आंकड़ा चाहिए होगा। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को दूर दराज के क्षेत्रों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया। सामान्य तौर पर दिल्ली में मॉनसून 27 जून को पहुंचता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 3 दिनों तक बारिश के साथ तापमान के 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। आईएमडी ने बताया कि मॉनसून उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहा है। बुधवार देर शाम कई पहाड़ी इलाकों में बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिली। राजस्थान के आईएमडी के एक अधिकारी ने बताया कि मॉनसून पहले ही दिन 14 जिलों तक पहुंच गया। मॉनसून तय समय से एक दिन पहले ही यहां पहुंच गया है। एक दशक में ये तीसरी बार है जब मॉनसून यहां सामान्य से पहले आया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।